हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 20, लाइंस एंड एंगल्स। वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद सम बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, दैट ऑल आर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वन, पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल डॉट। कोई भी पॉइंट है उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? डॉट से। ओके, डॉट, दिस वन इज डॉट। सेकंड पॉइंट, इट इज नेम्ड बाय ए कैपिटल लेटर। ये डॉट किया मीन्स मैंने पॉइंट किया, उसका मुझे नेम देना है तो मैं कैपिटल लेटर से ही दे सकता हूँ, स्मॉल लेटर में नहीं। ओके, ये पॉइंट है उसका मुझे नेम देना है तो मैं लिख सकता हूँ कैपिटल ए। ओके, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट ए। ओके, नेक्स्ट, ये पॉइंट है उसका मुझे नेम देना है डी, बट कैपिटल लेटर में ही उसका हम नेम दे सकते हैं। सेकंड मेथड से हम ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट डी। ओके, थर्ड, इट हैज ए नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ओके, ये पॉइंट है उसको लेंथ भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है और हाइट भी नहीं है। ओके, सेकंड ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट लाइन। लाइन हैज ए नो एंड पॉइंट्स। ओके, लाइन को एंड पॉइंट्स नहीं है। फर्स्ट हम लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज लाइन। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या था? लाइन हैज ए नो एंड पॉइंट्स, लाइन को एंड पॉइंट्स नहीं है। ओके, सेकंड पॉइंट, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडिफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। ये लाइन है वो दोनों डायरेक्शन में इनडिफाइनाइटली एक्सटेंड है। एरो का मीनिंग क्या है? वो दोनों डायरेक्शन में इनडिफाइनाइटली एक्सटेंड है, उसकी कुछ लिमिट ही नहीं है। ओके, थर्ड पॉइंट, इट इज नेम्ड बाई ए स्मॉल लेटर। मुझे ये लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं स्मॉल लेटर से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। उसकी टू मेथड है। फर्स्ट है वो स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकंड है वो कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखते हैं कि मुझे ये लाइन है उसको मुझे रिप्रेजेंट करने तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्मॉल एल। ओके, तो ये क्या है? लाइन एल। ओके, सेकंड मेथड, इसमें आपको क्या करना है? स्मॉल लेटर ही करना है। ओके, हम सेकंड मेथड देखते हैं। यही लाइन है उसको मुझे सेकंड तरह से रिप्रेजेंट करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूं? इसमें आपको यूज करना है कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं लाइन ए बी। ओके, इसको मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं लाइन ए बी। सेकंड मेथड, उसको ऐसे भी लिख सकता हूं लाइन बी ए। ओके, फोर्थ पॉइंट, लाइन कैन नॉट बी मेजर। वो दोनों डायरेक्शन में क्या है? इनडिफाइनेटली एक्सटेंड है, इसीलिए हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, लाइन सेगमेंट। ए पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन का ही एक पार्ट है। ओके, फर्स्ट हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। इट हैज ए टू एंड पॉइंट्स। ओके, ये लाइन सेगमेंट है उसको टू एंड पॉइंट्स है। ओके, उसको हम दे देते हैं नेम ए एंड बी। ओके, ये लाइन सेगमेंट है उसको टू एंड पॉइंट्स है। ओके, लाइन को एक भी एंड पॉइंट्स नहीं थे। लाइन सेगमेंट को कितने एंड पॉइंट्स है? टू एंड पॉइंट्स है।
ओके, इट कैन बी मेजर्ड, इसके टू एंड पॉइंट्स है इसलिए हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते बट लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट इज नेम्ड बाय टू कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें आपको कैपिटल लेटर ही यूज करना है। जहाँ पे एंड पॉइंट्स है वहाँ पे नेम देना है ए एंड बी, तो इसको हम बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, इसको हम बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, उसको रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो लाइन सेगमेंट ए बी। और सेकंड मेथड है लाइन सेगमेंट बी ए। ओके, इस तरह से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जियोमेट्रिकल कंसेप्ट है रे। ओके, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विच एक्सटेंड्स इनडिफाइनेटली इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए रे। रे है वो भी क्या है, लाइन का ही एक पार्ट है। ओके, वो ओनली वन डायरेक्शन में इनडिफाइनेटली एक्सटेंड है। लाइन थी वो दोनों डायरेक्शन में इनडिफाइनेटली एक्सटेंड थी, जब रे है वो ओनली वन डायरेक्शन में ही इनडिफाइनेटली एक्सटेंड है। हम रे ड्रॉ करते हैं। सेकंड पॉइंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये है इनिशियल पॉइंट और ये है क्या है, इनडिफाइनेटली एक्सटेंड पॉइंट है। ओके, ये क्या, ये पॉइंट है वो इनडिफाइनेटली एक्सटेंड है और ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट। ओके, सो क्या है, एक ही वन एंड पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। और जो ये सेकंड पॉइंट है वो तो क्या है, इनडिफाइनेटली एक्सटेंड ही है। इट इज नेम्ड बाय टू कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं बोल सकता हूँ ओ एंड बी, पर दोनों लेटर है वो कैपिटल ही होना चाहिए। ओके, उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ रे ओ बी। ओके, इसका मीनिंग ये ओ है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और बी है वो इनडिफाइनेटली एक्सटेंड है। मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता। ओके, इसको मैं उल्टा नहीं लिख सकता हूँ, ये मेथड है वो रॉन्ग है। ओके, क्योंकि उसमें बी है वो इनिशियल पॉइंट नहीं है, इसीलिए ये मेथड है वो रॉन्ग है। इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ रे ओ बी, ये मेथड है वो रॉन्ग है। लाइन सेगमेंट एंड लाइन में हम उल्टा लिख सकते थे बट रे में हम उल्टा नहीं लिखते। ओके, नेक्स्ट जियोमेट्रिकल कंसेप्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग मींस इंटरसेक्ट होना। ओके, कोई एक पॉइंट पे मिलना, कि टू लाइंस और रेज दैट मीट और क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर। कोई भी टू लाइंस है या कोई भी टू रेज है, वो कोई भी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हुए तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। हम देखते हैं कैसे। तो मैं फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये फर्स्ट लाइन, उसका नेम है लाइन ए बी। ओके, ये सेकंड लाइन, ये लाइन का नाम है सी डी, ये लाइन ए बी, ये लाइन है सी डी। ओके, वो कहाँ पे मीट हो रही है, कोई एक पॉइंट पे मीट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, उसका नाम है ओ। ओके, तो ये कौन सी लाइन है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके, तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि वो एट पॉइंट ओ वहाँ पे क्या कर रही है, मीट हो रही है या इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नेक्स्ट जियोमेट्रिकल कंसेप्ट इज पैरेलल लाइंस। टू लाइंस और रेज दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर।
ओके। पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे, टू लाइंस और रेज, टू लाइंस है या टू रेज है, दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। दोनों लाइंस है या दोनों रेज है वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, ओके। लाइंस है या रेज है वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। कैसे हम देखते हैं, ये लाइन सी डी, और सेकंड लाइन में ड्रॉ करता हूं, लाइन ए बी, ओके। ये है लाइन सी डी, ये है लाइन ए बी, ओके। वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, ओके, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। और उसके बीच में जो भी डिस्टेंस है लाइन सी डी और ए बी, उसके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूँ तो भी वो आगे जाके कहीं पे भी इंटरसेक्ट होने वाली नहीं है, ओके। तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस, ओके। पैरेलल लाइंस में क्या होगा, दोनों लाइन है उसके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो थ्रू आउट है वो सेम ही रहेगा। अब पैरेलल लाइन को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये लाइन सी डी है, लाइन सी डी, ये किसकी साइन है, दो क्या करना, दो वर्टिकल लाइन करना है, ओके। तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, लाइन सी डी पैरेलल टू लाइन ए बी। इसको हम कैसे रीड करते हैं, लाइन सी डी पैरेलल टू लाइन ए बी, के लाइन सी डी है वो किसके पैरेलल है, लाइन ए बी को पैरेलल है, ओके। नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलेंगे, टू लाइंस है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रही है तो उसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, ओके। फर्स्ट लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, लाइन ए बी, सेकंड लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, ये लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, एट 90 डिग्री पे वो इंटरसेक्ट हो रही है, ये पॉइंट है ओ, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। इंटरसेक्ट होनी ही चाहिए बट 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए, इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। लेट्स वी स्टार्ट एक्टिविटी वन। क्वेश्चन नंबर वन, फिल इन द ब्लैंक्स। ए लाइन हैज अ डैश एंड पॉइंट्स। लाइन के कितने एंड पॉइंट्स है, वी नो दोनों डायरेक्शन में लाइन क्या है, इनडिफाइनेटली एक्सटेंड है, इसीलिए लाइन को एक भी एंड पॉइंट्स नहीं है। तो इसमें हम लिख सकते हैं लाइन हैज ए नो एंड पॉइंट्स। सेकंड, ए डैश कैन बी मेजर्ड। क्या मेज़र कर सकते हैं, लाइन को भी हम मेज़र नहीं कर सकते और रे को भी हम मेज़र नहीं कर सकते, तो किसको मेज़र कर सकते हैं, हम ओनली लाइन सेगमेंट को ही मेज़र कर सकते हैं। क्यों लाइन सेगमेंट को ही मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि उसके टू एंड पॉइंट्स हैं, दैट्स व्हाई। तो इसमें हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट, ए डैश हैज वन एंड पॉइंट। किसको वन एंड पॉइंट्स है, रे, रे को ओनली क्या है, वन एंड पॉइंट्स है, और सेकंड साइड है वो क्या है, इनडिफाइनेटली एक्सटेंड है। डी, डैश लाइंस मीट एट ए पॉइंट, ओके। कौन सी दो लाइन है वो एक ही पॉइंट पे मिलती है, तो हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। द डिस्टेंस बिटवीन टू डैश लाइंस रिमेंस द सेम थ्रू आउट। कौन सी वैसी दो लाइन है उसके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो थ्रू आउट सेम ही रहेगा, तो हम बोल सकते हैं पैरेलल लाइंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए पॉइंट, ए लाइन, लाइन सेगमेंट एंड ए रे। आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है, पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है या रे है, ओके वो आपको बताना है। फर्स्ट हम देख सकते हैं कि उसको वन एंड पॉइंट है और सेकंड साइड है वो क्या है, इनडिफाइनेटली एक्सटेंड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रे पी क्यू, तो ये क्या है, रे है, ओके। ये डॉट है, डॉट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट, तो ये है पॉइंट। सी, दोनों साइड क्या है, एरो है, मीन्स वो इन बोथ डायरेक्शन क्या है, बोथ दोनों डायरेक्शन में वो इनडिफाइनेटली एक्सटेंड है, तो ये क्या हो सकता है, लाइन, लाइन सेगमेंट सी डी, ओके। ये क्या है, दो एंड पॉइंट्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे फिगर दी हुई है, उसमें से आपको लाइन सेगमेंट है वो फाइंड करके लिखना है। ये फिगर है तो उसमें कितने लाइन सेगमेंट है वो आपको लाइन सेगमेंट लिखना है, ओके। फर्स्ट फिगर में हम देखते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पी एम है वो क्या है, लाइन सेगमेंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट पी एम कोमा, सेकंड लाइन सेगमेंट है एम एन कोमा, थर्ड लाइन सेगमेंट एन ओ, फोर्थ लाइन सेगमेंट ओ पी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम पी, लाइन सेगमेंट एम पी, लाइन सेगमेंट एन एम, लाइन सेगमेंट ओ एन, लाइन सेगमेंट पी ओ, दोनों मेथड से वो राइट ही है, लाइन सेगमेंट को हम उल्टा लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट फिगर पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट क्यू आर, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट पी आर, नेक्स्ट फिगर स्टार्ट करते हैं यहां से, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी कोमा, लाइन सेगमेंट सी डी, लाइन सेगमेंट डी ई, लाइन सेगमेंट ई एफ, लाइन सेगमेंट एफ जी, लाइन सेगमेंट जी एच एंड लाइन सेगमेंट एच ए। ये हुए लाइन सेगमेंट्स, ओके। ये फिगर में कितने लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फिगर है वो 8 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। नेक्स्ट, नेम ऑल द रेज विथ इनिशियल पॉइंट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। क्या करना है, उसका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, ए बी या सी, उसे कितने रेज बनते हैं वो हमें क्या करना है, दिखाना है। तो इसमें हम देख सकते हैं, फर्स्ट ए है वो क्या होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, तो हम ये लाइन रे बोल सकते हैं, रे ए एक्स, ओके। ए है वो ही इनिशियल पॉइंट रहना चाहिए, ओके। ये इनिशियल पॉइंट है और ये इनडिफाइनेटली एक्सटेंड पॉइंट है, ओके। कोमा, सेकंड है वो ए वाई, ये भी हम बोल सकते हैं ए है वो इनिशियल पॉइंट है, ये इनडिफाइनेटली एक्सटेंड है, ओके। तो ए वाई, इनिशियल पॉइंट एट से डन, नाउ इनिशियल पॉइंट क्या लेना है, बी लेना है, तो बी से मैं ऐसा बोल सकता हूँ बी एक्स, ये क्या है बी एक्स, रे बी एक्स। नेक्स्ट रे बी वाई, यहाँ से स्टार्ट करना है, बी इनिशियल पॉइंट है, ये इनडिफाइनेटली एक्सटेंड पॉइंट है, बी वाई, रे बी वाई। नेक्स्ट इनिशियल पॉइंट लेना है सी, तो रे सी एक्स, सी है वो इनिशियल पॉइंट है, एक्स है वो इनडिफाइनेटली एक्सटेंड पॉइंट है, तो रे सी एक्स।
नेक्स्ट इनिशियल पॉइंट सी है और वाई है वो इंडिफाइनेटली एक्सटेंड पॉइंट है, तो रे सी वाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज रे ए एक्स, किसकी बात हो रही है, रे एक्स की, ये ओके। रे एक्स डिफरेंट फ्रॉम रे ए वाई, ओके ये है रे ए वाई, ये है रे ए एक्स, ये है रे ए वाई, वो दोनों डिफरेंट है, तो यस ऑब्वियसली हम बोल सकते कि ये दोनों डिफरेंट ही है, तो इसमें आंसर लिखेंगे यस। सेकंड इज रे बी एक्स, ये है रे बी एक्स, ओके बी इनिशियल पॉइंट और एक्स है इंडिफाइनेटली एक्सटेंड पॉइंट, ये बी एक्स। सेम एज रे बी वाई, ये बी वाई है, ओके वो दोनों सेम है, ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो सेम नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे नो। क्वेश्चन नंबर फाइव, स्टेट ट्रू और फॉल्स, रे पी क्यू इज द सेम एज रे क्यू पी, ओके ये रे पी क्यू में ड्रॉ कर देता हूँ, ये रे है पी क्यू, सेम एज रे क्यू पी, वो सेम एज रे क्यू पी है नहीं है, क्योंकि इसमें इनिशियल पॉइंट क्या है P है, बट इसमें इनिशियल पॉइंट क्या होगा Q है, तो वो सेम नहीं है, इसीलिए फॉल्स। लाइंस विच मीट एट ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ओके तो लाइन से वो कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए उसको हम पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, नो इसको हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये भी क्या है फॉल्स। लाइन कैन बी मेजर्ड, लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, ओनली लाइन सेगमेंट को ही हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स। ए पॉइंट हैज नो लेंथ ब्रेथ और हाइट, क्या पॉइंट को लेंथ भी नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है और हाइट भी नहीं है, वो बात सही है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रू। थैंक यू फ्रेंड्स।